Hi, this is Khushbu with another question of polynomials. This is question number 8 from exercise 2.5, page number 49 from NCERT. It says factorize each of the following. हमें इनको factorize करना है, जैसे कि 4th part में, हमें given है 64aq minus 27bq minus 144a square b plus 108ab square. इसके अंदर हमारे 4th, इसमें आप इनको देखते हो, जिनपे cubes लगे हैं. और क्यूब की आइडेंटिटी हो सकती है जिसमें स्क्वायर भी आ जाए क्यूब भी आ जाए क्यूब्स में और स्क्वायर में साथ में क्यूब की आइडेंटिटी है ये ए प्लस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल क्यूब बट माइनस बी होल क्यूब इसलिए बनेगा क्योंकि ए क्यूब और बी क्यूब के बीच में नेगेटिव साइन है जो मेन दो टर्म्स होती है उनके बीच में नेगेटिव साइन है क्यूब वाली दैट मीन ए माइनस बी होल क्यूब है तो ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें 64 का वो किसका क्यूब होता है 64 इस 4 का क्यूब 4 4 जा 16 16 4 जा 64 तो तीन बार 4 को मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है तो हम लिखेंगे 4 a का होल क्यूब सेम वे 27 को लिखेंगे 3 b का होल क्यूब बिकॉज 3 b को तीन बार करेंगे 3 b into 3 b into 3 b तो आएगा 27 b क्यूब माइनस 3 a b 3 into 4 a और b है 3 b ब्रैकेट में a माइनस b a माइनस b करेंगे तो आएगा 4a माइनस 3b सो 4a का क्यूब हुआ ये बना a माइनस b होल क्यूब का ये हमने इसको एक्सपैंड करके दिखाया है इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो a माइनस b होल क्यूब है a यहाँ पर है 4a b की जगह पे है 3b 4a माइनस 3b का होल क्यूब इसी तरह से लिख सकते हैं 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b Then again 4a minus 3b. Same way as fifth part mein 27bq minus 1 by 216 minus 9 by 2p square plus 1 by 4p. So 27bq, 27 ko hum likh sakte hain 3p ka whole cube minus 216 hota hai 6 ka cube. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 6 का होल क्यूब माइनस 3ab 3ab a ये है b ये है ब्रैकेट में a माइनस b a है 3b माइनस c किया तो माइनस 1 बाय 6 तो अभी आइडेंटिटी है अगेन a माइनस b होल क्यूब की यहाँ पे a की जगह पे है 3b b की जगह पे है 1 बाय 6 3b माइनस 1 बाय 6 का होल क्यूब उसको तीन बार लिखेंगे 3b माइनस 1 बाय 6 3p minus 1 by 6, 3p minus 1 by 6. So, ये हमारे पास आ गया, इसको factorize करें. So, this was 8 questions from exercise 2.5 and do watch the next video for some more questions.